ये जो है यहाँ पे ये जो एरिया है ये है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया और इसके मेरे इस साइड है इंडियन ओशन और इस साइड है भाई बे ऑफ बंगाल। तो मेरे पीछे ये देख रहे हो आप, ये है भाई बे ऑफ बंगाल और भाई ये जो कितना प्यारा समंदर लग रहा है ना भाई, क्या ही प्यारा लग रहा है। लेकिन इसके जो है ये है इंडियन ओशन और यहाँ पे आपको दूर दूर पे काफ़ी सारे लोग दिख जाएंगे। वाला जो एरिया है ना ये राम सेतु वाला एरिया है जहाँ पे आधे पे खड़े हुए हैं लोग। ऊपर पानी में आया नेम हिंदी नेम ऊपर पानी है। बारिश 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 बारिश। हाय गाइस वेलकम बैक, दिस इज मोहितेश। सो गाइस आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी, हम गए हुए थे रामेश्वरम मंदिर और भाई वहाँ से हम आए हैं, मतलब अभी मैं बताता हूँ, हम आए हैं वहाँ से 2 बजे और अभी लगभग 2:30-3 बज रहा है। और भाई जो हालत ख़राब हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बाकी आपने उस वीडियो में देख लिया होगा, थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे का छोटी मोटी क्लिप्स बनाई थी वो मैंने रिकॉर्ड कर दी है। बाकी अब हम जा रहे हैं रामेश्वरम घूमने। तो अब हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हम खाएंगे खाना क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, तो पहले खाना खाएंगे फिर हम घूमने जाएंगे और आपको भी दिखाता हूँ। और बाकी मैं अभी अपना रूम टूर देता हूँ आपको। हमारा रूम जो है ये वॉशरूम का गेट है और ये मेरा रूम है, देख कुछ ऐसा ही हमारा रूम है। होटल से निकल चुके हैं हमारा और ये जो पीछे है ये रहा हमारा होटल। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, पास में यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मैंने देखा होता तो वहाँ पे चलते हैं पहले। भाई खाना खा लिया है और खाने का रिव्यू दूँ तो भाई खाना बिलो एवरेज, मज़ा नहीं आया खाने में, पर ये था भूख लगी थी तो हमने खा लिया। अब चलते हैं कहीं घूमने। धनुषकोडी ठीक है। बहुत बहुत जो टैक्सी थी वो बुक हो चुकी है, अब हम सीधा निकल रहे हैं यहाँ से धनुषकोडी की ओर। बाकी आपको दिखाते हैं। हम बैठ चुके हैं अपनी टैक्सी में और ये है भैया जो हमें ले जाएंगे। सारे 12 पॉइंट है वैसे मेन, बाकी अभी लेट भी हो रहा है तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले हम निकल रहे हैं अभी धनुषकोडी की ओर और बाकी ये बैठे हुए हैं पीछे मम्मी पापा और दीदी। अब चलते हैं। कितना टाइम लगेगा धनुषकोडी के लिए? हाफ आवर। एंट्री हो जाएगी? एंट्री के साइड में एंट्री नहीं, वो बोल रहे थे ना कि एंट्री जल्दी बंद हो जाती है। एंट्री में कहते हो 10 मिनट्स। ओके। अदर साइड में लांगे 30 मिनट्स, 25 किलोमीटर। भाई यहाँ से जहाँ हम रुके हुए हैं यहाँ पर से रुके क्या, हम ये मेन रामेश्वर जो मंदिर है उसके पास में रुके हैं। तो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है यहाँ से धनुषकोडी। इस साइड तो हमें समुद्र दिखने लग गया है, बाकी उधर साइड का भी दिखने लगा है, उधर भी दिखने लग गया है। हाँ, दोनों साइड से हल्का हल्का दिखने लग गया है। इसमें पानी रोड पे नहीं आता क्या? ये तो काफी नजदीक में है, रोड में नहीं आता कभी ये पानी। अन्ना भी बहुत शर्मीले हैं भाई पानी में, ऊपर पानी इधर समथिंग से अदर से। अच्छा कार एक्सीडेंट हो जाएगा। अन्ना कह रहे कार एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे वीडियो मत उल जाओ। ऊपर पानी में आया नेम हिंदी नेम ऊपर पानी है। बारिश 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 बारिश। हाँ इधर पानी में बारिश बारिश पानी। हाँ ये बीच में क्या है? कुंजम कंजम थोड़ा थोड़ा ये वीडियो बताना स्ट्रेट ऑटो एक्सीडेंट। अन्ना यहाँ मत देखो ना, फिर आप यू लुक स्ट्रेट। अन्ना मेरे वीडियो एक्सीडेंट हो जाएगा। ओनली टॉक लुक देयर। हमें भी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आती है, कुंजम कुंजम आती है। तो भाई यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है ओल्ड रेलवे स्टेशन। अब ना पहले पे धनुषकोडी साइड यहाँ पे पूरा विलेज था, ओल्ड चर्च वगैरह, यहाँ पे ओल्ड चर्च है और ओल्ड रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे ना पहले विलेज थी धनुषकोडी में पूरी, तो वो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे साइक्लोन वगैरह आया तो हम पहुंच चुके हैं अभी धनुषकोडी। और भाई यहाँ मेरे एक साइड है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और दूसरी साइड है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो भाई अभी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। राम सेतु जो ब्रिज है वो मतलब मैप के हिसाब से वो कहाँ पे है, उसका हल्का सा उसके ऊपर अभी सैंड आई हुई है ऐसा लग रहा है, पर वो मैंने मैप पे भी चेक किया तो यही है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, यही है राम सेतु वाला जो एरिया दिख रहा है वो यही वाला है। अभी यहाँ पे सैंड आ रहा है, वाला जो एरिया है ना यही राम सेतु वाला एरिया है जहाँ पे आधे पे खड़े हुए हैं लोग, और यहाँ पे ये जो आगे दिख रहा है वो भी राम सेतु वाला एरिया है। तो जब विभीषण जी को लंका का राजा बनाया गया तो उन्होंने प्रभु श्री राम से बोला कि प्रभु आप ये सेतु को तोड़ दीजिए वरना कोई भी आ जा सकता है लंका और भारत के बीच में। तो प्रभु श्री राम ने अपने धनुष के एक कोने से सेतु को नष्ट कर दिया, जिसके कारण वहाँ पे पूरा सेतु नष्ट हो गया। और मैप के हिसाब से मैंने अभी चेक करा तो ये जो एरिया है ये पूरा राम सेतु का एरिया है, और बाकी मेरे जो ये पीछे है ये धनुषकोडी इस जगह को बोला जाता है, और ये जो है ये लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है। तो गाइस धनुषकोडी का ये था व्यू। अब हम चलते हैं आगे को और दूसरे व्यू पॉइंट पे, अब वहाँ पे आपको मिलते हैं। पता नहीं क्या है, ओरिजिनल मणि है, ओरिजिनल मणि है क्या बाबा अन्ना लेट क्लोज्ड अब्दुल कलाम हाउस मत ओपन ओपन। सो गाइस ये जगह इतनी प्यारी थी कि भाई हमने यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया। अब कुछ पॉइंट्स तो हमारे अब हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन अभी अब्दुल कलाम हाउस है लेट, कोई बात नहीं हो जाता। अब जो प्लेस खुलेंगे हम वहाँ जाएंगे। सब बंद, सब बंद, सब कुछ बंद, क्लोज्ड एवरीथिंग। 16 टोटल छोटा टेंपल क्लोज, बड़ा टेंपल में 8 फिट तो ही गए हैं हम, तो हम सोच रहे हैं कि बार बार से एक बार हम देख लें, बस दर्शन कर लें मंदिर वगैरह के, फिर चलते हैं। ओके टुमारो मॉर्निंग साइकिल साइकिल और लोग भी जा रहे हैं हमारी तरह लेके। देखो उनके ब्रिज से जा रहे हैं क्या? आने का जैसा बोल रहा है रामर टेम्पल। तो गाइस यहाँ पे हम आए हुए हैं एक मंदिर, बाकी वैसे तो बंद हो गया, बस हम ऐसे आएगी गाइस लोकेशन देखने कहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत लेट हो गया, बहुत इन्जॉय किया इस वजह से लेट हो गया, पर कोई बात नहीं। तो ये मेरे पीछे यहाँ पे मंदिर है, अभी यहाँ पे देखते हैं क्या है, मतलब अगर ऐसी बाहर बात से भी कैसा है क्या है। तो गाइस ये मंदिर है और अब इसके आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई सो गाइस ये मंदिर जो था यहाँ पे भगवान राम जी विभीषण जी को लेकर आए हुए थे और उनका पद्माभिषेक जो वो अभिषेक करते हैं राजा बनाने के लिए, वो करा हुआ था। वैसे बोला नहीं जा रहा है पद्माभिषेक करा हुआ था। तो हम आ चुके हैं A.P.J. अब्दुल कलाम जी के हाउस पे, तो अब यहाँ आगे चलते हैं और आपको देखते हैं क्या है। यही था अब्दुल कलाम जी का घर। तो तो भाई ये इधर पीछे साइड था डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम जी का घर, और बाकी वहाँ पे अंदर शूट करने नहीं दिया, और वैसे भी करने जैसे ज़्यादा लोकेशन पे तो अभी हम निकलते हैं। सर छुट्टी लेकर ओपन हो, नो प्रॉब्लम, आई पुलिस कंप्लेंट कह रही मैं तो खोल दूंगा, लेकिन पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी। और वॉकिंग गोइंग आई ड्रॉप आई एम फिनिश। ओके ठीक है, ड्रॉप नियर आवर होटल, नियर होटल। हां नाइट टाइम है, यू टाइमिंग ज्यादा लेट। 4 टुमारो विदाउट मनी, विदाउट मनी व्हाई टुडे। ओके भाई, ओके ओके गाड़ी में कॉल मी, नो प्रॉब्लम। मतलब हमने रात का डिनर भी कर लिया है और काफी भूख लगी हुई थी, हाँ सब रख दिया है, और बाकी अभी ऐसे एक राउंड लगा रहे हैं। वैसे काफी थक चुके हैं, लेकिन सोचा आगे सामने रामेश्वर मंदिर है तो आपको भी दिखा देते हैं और हम भी एक राउंड लगा लेते हैं।